Kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, today is Saturday. आज क्या है बेटा? Saturday. तो Saturday को हम लोग खूब fun करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, activities के through करते हैं ना, हम लोग activities करते हैं ना, तो activities से तो हमें बहुत मजा आता है. आता है ना? तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो आपकी एक्टिविटी बुक है ना बेटा, लास्ट सैटरडे को भी मैंने आपको दिस और दैट का कंसेप्ट करवाया था, है ना, यूज ऑफ दिस एंड दैट. तो बेटा आज भी मैं आपको यूज ऑफ दिस और दैट करवा रही हूँ. आज हम इस एक्टिविटी बुक में से पेज नंबर 39 करने वाले हैं, जो क्या है, यूज ऑफ दिस एंड दैट. बेटा बार बार करवाने का ही मतलब होता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके बेटा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है ना. वैसे तो ये बहुत इजी है, बट आज हम लोग इसको फिर से एक्टिविटी के थ्रू करेंगे. ओके, पिक्चर देखेंगे, जो पिक्चर हमारे पास लगती है, हमें सेंटेंस के पास है, तो उसके आगे दिस लगाते हैं. जो थोड़ी सी हमें दूर दिखती है तो वहां पर हम दैट लगाते हैं. ओके, तो अभी मजा आने वाला है ना. ओके बेटा, शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट. किड्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ दिस दैट. ओके बेटा, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूं कि देखो यहां पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना, तो ये जो काउ है ये इस सेंटेंस के पास में है ना, नियर पे है ना, दूर तो नहीं है ना उससे, तो हम पास वाली चीज के लिए क्या लिखते हैं. हाँ, बट एक चीज बेटा, हम दिस और दैट जब यूज करते हैं वो ओनली वन थिंग के लिए यूज करते हैं, कोई भी एक चीज के लिए. ओके बेटा, जहां बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर दिस और दैट का यूज नहीं होता, ओनली एक ही चीज के लिए दिस और दैट का यूज होता है. बट देखना ये होता है कि जो चीज नियर होती है उसके लिए दिस का यूज करते हैं, और जो चीज फार होती है यानी कि दूर होती है वहां पर हम दैट का यूज करते हैं. ओके बेटा, तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज अ काउ. ये काउ देखो पास में है ना, दिस इज अ काउ. तो आप कैसे लिखोगे, टी एच आई एस, दिस इज अ काउ. अब यहां पर क्या पिक्चर दिखाई दे रही है हमें, बर्ड की पिक्चर दिख रही है ना. ये किसकी पिक्चर है, एक बर्ड है, तो बर्ड जो है वो क्या है, दूर है ना, दूर है ना. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दैट. क्या यूज करेंगे हम लोग, दैट, टी एच ए टी, दैट, दैट इज अ बर्ड. ये बर्ड दूर है, ठीक है. ऐसे ही देखो नेक्स्ट पिक्चर किस चीज की है, बुक की है. अब बुक क्या है, दूर है ना, तो दूर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, दैट का. तो क्या करेंगे हम, दैट इज अ बुक. क्या करेंगे, दैट इज अ बुक. ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखो क्या है, यहां पर क्या आएगा, दिस आएगा, दैट आएगा. ये कार जो है वो पास है या दूर है, पास में है ना, तो क्या लिखेंगे हम, दिस, टी एच आई एस, दिस इज अ कार, दिस इज अ कार. ऐसे ही अब नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, पेन की, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पेन पास में है या दूर में है, पास है. तो जो चीज पास होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, दिस. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज अ पेन, दिस लिखेंगे, दिस, टी एच आई एस, दिस, दिस इज अ पेन. अब नेक्स्ट किसकी पिक्चर है, स्टार की. स्टार कहाँ पे है, दूर है पास है, दूर है. तो दूर जो चीज होती है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट वर्ड का. किसका यूज करते हैं हम लोग बेटा, दैट वर्ड का. तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, दैट, टी एच ए टी, दैट, दैट इज अ स्टार, दैट इज अ स्टार. ये स्टार की पिक्चर है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, दैट इज अ स्टार. अब देखो नेक्स्ट जो पिक्चर है वो किसकी है, स्पून की. किसकी पिक्चर है, स्पून की. अब स्पून पास में है या दूर में है, पास है. तो पास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस, दिस इज अ स्पून, टी एच आई एस, दिस इज अ स्पून. ओके बेटा, अब देखो नेक्स्ट किसकी पिक्चर है, ये
कोट की। किसकी पिक्चर है? कोट। तो कोट कहाँ है? पास है या दूर है? दूर है ना, तो क्या लिखेंगे? दैट, THAT, दैट, दैट इज अ कोट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट किसकी पिक्चर है? चेयर की। चेयर पास है या दूर है? पास है, तो पास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? दिस, THIS, दिस, दिस इज अ चेयर। ओके बेटा, ऐसे ही जो नेक्स्ट पिक्चर है वो किस चीज की है? बैग की। बैग पास में है ना, तो पास के लिए क्या यूज करते हैं? दिस, THIS, दिस, दिस इज अ बैग। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? दिस इज अ बैग। ओके बेटा, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पिक्चर है वो किस चीज की है? कैट की। किस चीज की पिक्चर है बेटा? कैट की। तो कैट पास में है या दूर में है? दूर है, तो दूर के लिए हम क्या लिखते हैं? दैट, THAT, दैट, दैट इज अ कैट। ओके बेटा, जो चीज हमसे नियर होती है, हमारे पास होती है, उसके लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं, और जो चीज दूर होती है उसके लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार ये करवाया है ना आपको, करवाया है ना बेटा। ओके, तो आपने अपने घर पर अपनी बुक में पेज नंबर 39 पर यूज ऑफ दिस एंड दैट अपने आप करना है और अपनी मम्मा से चेक करवाना है। ओके बेटा, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।